नमस्कार दोस्तों कहीं हम भूल न जाएं सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है इस सीरीज के अंतर्गत आप सभी को प्रतिदिन 25 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा ताकि आप अपने कमी को आसानी से दूर कर सकें यह सेवा 29 ग्यारह 2020 से पहले तक प्रदान किया जाएगा एनस एल एच HMM के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप इस कड़ी से आवास जुड़िए जो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं साथियों देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में है निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है पहला ऑप्शन है पेट्रोल प्राकृतिक गैस तीसरा है हाइड्रोजन चौथा है गैसोलीन इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो होता है उसमें आम सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की उदासनीकरण अभिक्रिया में बनता है बताइए साथी उदासनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है उदासनीय अभिक्रिया में क्या बनता है पहला है क्षार दूसरा है अम्ल तीसरा है लवण, चौथा है लवण और जल इसका सही आंसर हो जाएगा लवण और जल नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फोटोग्राफी तो में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है पहला <ड्रीकह> ऑप्शन है, है सिल्वर आयोडाइड <ड्रीकह> दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड तीसरा है अमोनिया नाइट्रेट और चौथा है कैल्शियम सल्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मेंडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गरण किसके आधार पर किया गया है बताइए मेंडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है पहला है परमाणु भार दूसरा है परमाणु संख्या तीसरा है परमाणु आयतन चौथा है परमाणु घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु भार का कावर सारणी जो है परमाणु भार पर आधारित है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सभी जैविक यौगिकों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है बताइए साथियों सभी जैविक यौगिकों में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है पहला है नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन तीसरा कार्बन चौथा गंधक इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन सभी जैविक यौगिक में कार्बन अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है इसका सही आंसर हो जाएगा की ऑप्शन नंबर तीन क्या हो जाएगा शरीर की में पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं देखिए पहला ऑप्शन है जीवाणु कवक प्रोटोजोवा विषाणु सही आंसर हो जाएगा विषाणु विषाणु के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है फुट एंड माउथ रोग नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है चार मिनट कहाँ है चार मिनट जो है हैदराबाद में है पहला है हैदर अली दूसरा है टीपू सुल्तान कुली कुतुब शाह चौथा है औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार मिन, का निर्माण किया गया है जो हैदराबाद शहर में है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सांची का स्तूप का निर्माण सांची कहाँ है ये भोपाल में सांची का स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित है इसका निर्माण किसने करवाया पहला है चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक तीसरा है कौटल्य और चौथा है गौतम बुद्ध ये कराया गया है सम्राट अशोक के द्वारा ऑप्शन नंबर दो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बीरबल का बचपन का क्या नाम था बताइए साथियों बीरबल का बचपन का क्या नाम था बार बार पूछा जाता है इसका नाम था क्या नाम था बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास ब्रह्म प्रसारित हो रहा है ब्रह्मांड का, का प्रसारण हो रहा है यह सर्वप्रथम किसने दिया था यह इसका तथ्य सर्वप्रथम किसने दिया था एडविन हब्बल दूसरा कॉपर निकस तीसरा है न्यूटन और चौथा है स्तु इसका सेंसर हो जाएगा एडमिन हब्बल के द्वारा ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है इसका परमाणु प्रथम एडबल हब्बल के द्वारा दिया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है बताइए साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है यह हैं शक्तिकांत दास जी शक्तिकांत दास जी जो हैं वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2023 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए साथियों वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच है 2023 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा पहला ऑस्ट्रेलिया दूसरा न्यूजीलैंड तीसरा इंग्लैंड चौथा भारत इसका सही सन्सर हो जाएगा भारत में तेईस का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा हो भारत में देखिए मैं तो प्रश्न आ गया किसी वस्तु को 20 परसेंट लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य पाँच सौ पचास रुपया हो जाता है तो उसे 20% परसेंट लाभ पर बेचने के लिए क्या पर उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा ऑप्शन देखिए पहला है पाँच दूसरा है 600 और तीसरा है 650 और चौथा है 625. तो विक्रय विक्रय मूल्य दिया है तो आप यहाँ से मूल्य निकालेंगे तो मूल्य बराबर होता है मूल्य गुना सौ बटा सौ प्लस लाभ प्रतिशत तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो मूल्य कितना आ जाएगा पाँच सौ रुपया तो विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य टू मतलब गुना सौ प्लस लाभ प्रतिशत बटा हंड्रेड तो कितना है क्रय मूल्य कितना निकाले थे पाँच सौ रुपया और लाभ प्रतिशत कितना है बीस परसेंट तो सौ प्लस बीस यानी कि पाँच सौ गुना एक सौ बीस बटा सौ तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा छः सौ रुपया यानी कि बीस परसेंट लाभ पर बेचने पर उसका मूल्य कितना हो जाएगा छ सौ रुपया ऑप्शन नंबर दो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है बताइए साथियों भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है पहला लॉर्ड मैकाले चार्ल्स ग्राउंड स्वप्र किशन महात्मा गांधी ये सही हो जाएगा चार्ल्स ग्राउंड को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के किसे कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है एक प्रश्न फिर मैथ कहा गया है देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः पाँच छः सात सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखिए त्रिभुज क्या है त्रिभुज यह एक विषम त्रिभुज है क्योंकि इनमें सभी भुजाओं भुजाएं अलग अलग हैं तो इसका पढ़ हम निकालने के लिए क्या करेंगे एस निकाला जाएगा पहले एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा टू तो आप जोड़ेंगे पाँच छः सात पाँच छः सात को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा पाँच छः पाँच ग्यारह ग्यारह सात अठारह बटा दो तो काटेंगे नौ तो इस प्रकार इस निकल जाएगा तो इस प्रकार का इसका आंसर हल छतफल छत निकालना है छतफल निकालना है तो हम लोग ऐसे करेंगे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका सिक्स अंडर रूट सिक्स ठीक ना इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ने हमारा प्रश्न ने, है भू अस्थायी उपग्रह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं पहला ऑप्शन है चौबीस हज़ार किलोमीटर दूसरा छत्तीस हज़ार किलोमीटर कोई सीमा नहीं और चौथा है एक लाख ,00 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीस हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर भू अस्थायी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं भू अस्थायी उपग्रह का वर्तकाल कितना घंटा हो, का होता है भू अस्थायी उपग्रह का वर्तकाल होता है चौबीस घंटे का नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सूर्य का सतह का तापमान होता है बताइए साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला है पाँच डिग्री सेल्सियस दूसरा छः डिग्री सेल्सियस तीसरा है बारह डिग्री सेल्सियस कोई सीमा नहीं इसका से आंसर हो जाएगा छः डिग्री सेल्सियस हिंदी का प्रथम महाकाव्य है बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है पहला है अभिज्ञान शकुंतलम पद्मावत, महाभारत और रामायण इसका सही सर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत लेखक कौन है पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है महाभारत महर्षि वेद व्यास संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है बताइए भी क्वेश्चन आपके बीच में संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है यह है अनुसूची आठ ऑप्शन नंबर तीन अनुसूची आठ में भाषाओं का उल्लेख किया गया है नेक्स्ट नंबर प्रश्न है शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरा है मदर ट्रेसा तीसरा है कला सत्यार्थी और चौथा है बी एस न्यायपॉल इसका सेंस हो जाएगा मदर ट्रेसा मदर ट्रेसा प्रथम भारतीय थे जिन्हें शांति का नोडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर भारत का प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया था इन्हें साहित्य के क्षेत्र में और कैलाश शताार्थी को भी शांति के क्षेत्र में ही नोबल पुरस्कार मिला है लेकिन मदर ट्रेसा के बाद मिला है दो हजार चौदह ईस्वी में बी एस न्यायपॉल को किसमें मिला है बी एस न्यायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है वन हुप पर्सन वह आदमी जो नींद में चलता हो उसको इसका एक वर्ड सोचुएशन क्या हो सकता है इसका सही आंसर देखिए क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सोमना ब्लिस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर एक नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड द मिस प्लिट वर्ड इसमें से एक शब्द जो है गलत है वो कौन सा शब्द गलत है देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा गलत होना चाहिए इसका गलत शब्द जो है डिस्टिनेशन है ऑप्शन नंबर तीन डीजल के अनियमित सप्लाई के कारण हो सकता है एयरलॉक गंदा फिल्टर टैपिंग रोल का घिस जाना उपयुक्त सभी इसका सेंस हो जाएगा उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी के कारण डीजल की जो खपत है वो बढ़ जाती है जब एयर लॉक हो जाता है चाहे गंदा फिल्टर हो जाता है या ट्रैपिंग रोल जब गिर जाता है उसके कारण फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय इनकी गंदगी अंदर के तरफ ना जाए इसके लिए प्रयोग करते हैं क्या प्रयोग करते हैं हम लोग पहला ऑप्शन है प्लग जाली दूसरा है सेक्शन बल्ब रोलर इसके लिए हम लोग प्लग का प्रयोग करते हैं धन्यवाद साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार